आओ बेबी शर्माओ मत। यही है मेरा घर, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अंदर आओ ना। ये है बेबी मेरा रूम, है ना एकदम मस्त। देखो ना बेबी कितनी अच्छी लाइटें जल रही हैं। ये किसका है? किसका है ये? ओए माँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये किसका है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसका है ये? पंकज। लगता है खाना बनाने वाली आंटी छोड़ गई। खाना बनाने वाली आंटी यहाँ पे खाना बनाने आती है या कपड़े बदलने आती है? सच सच बताओ मुझे, ये किसका है? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? बेबी वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा किसका है ये। ठंड ठंड पानी से नहाना। पंकज तूने दूसरी खाना बनाने वाली रख ली, मेरे को बताया भी नहीं। तू मेरी नौकरी खाना चाहता है? ची 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 ची, शर्म कर थोड़ी। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, अपनी गंदी नजरें मुझ पर मत डाल। पंकज अब तुम इस हद तक गिर गए हो। अरे मैं बोल रहा हूँ ये इनका है। क्या? हाँ ये तो मेरा है, मेरा है। आप ये सब भी पहनते हो? अरे इनका सामान है, इनका शरीर है, ये पहनते हैं, इससे हमें क्या। तुम बैठो, और चाचा जी तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। ओ यार, हेडफोन तो मैंने पंकज के घर ही छोड़ दिया, लेके आती हूँ। पंकज, पंकज कहाँ हो तुम? मेरा हेडफोन देखा है क्या? ये आपके हाथों में क्या कर रहा है? ये पंकज भी ना कुछ संभाल कर नहीं रखता, सब इधर उधर फेंक देता है। मैं इसे रखने जा रहा था, और पंकज कमरे में नहीं है, मत जाओ वहाँ। ये मेरा और पंकज का घर है, आप सिर्फ खाना बनाने से मतलब रखो। मैं जाऊंगी। नहीं जाने। अरे नहीं जाने दूंगा। अरे नहीं, नहीं जाने दूंगा। नो पंकज। अरे नहीं पंकज, नहीं अंदर। पंकज नहीं। अरे हद है, पंकज कहाँ हो तुम? कौन है ये? रुको मैं देखता हूँ। कौन है? क्यों चिल्ला रही है? अरे पूजा तुम बाहर मत जाओ, वो चंदा मांगने वाली है। सरस्वती पूजा आ रही है ना, उसके लिए चंदा मांग रही है, तुम बैठ जाओ। सरस्वती पूजा? वो तो कब की निकल गई। अगले साल का मांग रही है अभी से। तुम रुको मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं हटो हटो, मैं दे देती हूँ। अरे रहने दो। अरे हटो। ये लो। ये क्या है? और चाहिए? रुको ये रखो। ये क्या दे रही हो? अरे मैं देता हूँ, तुम अंदर जाओ। ये कौन है पंकज? चाचा जी लेके जाओ ना अंदर। ये हो क्या रहा है? ये कौन है? अरे बेबी मैं बताता हूँ, आप चलो। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं भी सरस्वती पूजा का चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, हमें भी दे दो। चुप, टेंशन मत लो, 100 रुपए से ज्यादा नहीं देगा पंकज चंदे वाली को। वो है कौन? बट कौन है वो लड़की, और ये अंदर क्या कर रही है? ये है ना मेरे गांव से आई है, बेचारी बहुत ही गरीब है। बेवकूफ समझा है मुझे? मेकअप और वन पीस पहन के रहते तुम्हारे गांव वाले। अरे हमारा गांव भी तो मॉडर्न हो गया है, और ये बेचारी थोड़ी सी पागल है, जिसे देखती है उसे पैसे देने लग जाती है, और यहाँ ये शहर में किसी को जानती भी नहीं है, तो माँ ने इसे मेरे पास भेज दिया है और इसका ख्याल रखने को कहा है। हाँ हाँ, पूरे गांव का ठेका तो तुमने ही ले रखा है। अब क्या करें, माँ की बात मना भी नहीं कर सकता ना। यार पंकज कितना खुश हो जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि उसकी भक्ति का इंटरव्यू क्लियर हो गया। आज दूंगी उसे सरप्राइज, सीधा उसके घर में जाके। हद होती है किसी भी बात की। अरे क्या हो गया? क्या कर रहे हो? कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या हो क्या गया? अरे यार चंदा मांगने वाली है, ये चंदा मांग रही है। उस सरस्वती पूजा आ रही है ना, उसके लिए चंदा मांग रही है। सरस्वती पूजा तो पिछले महीने थी। अरे यार वो अगले साल का भी अभी से मांग रही है। अरे मैं दे देती हूँ, 100-200 रुपए तो देने होते। अरे नहीं यार वो 2 लाख से कम में नहीं मानती, और तुम कितना भी कम कराओगे ना तो 1 लाख तो कम से कम मांगेगी। कुछ भी मतलब। आर यू सीरियस? हाँ यार तुम यहाँ बैठो। कैसी बातें कर रहे हो? तुम यहाँ बैठो। पंकज अब तक नहीं आया, बहुत देर हो गई है। ऐसे कितने पैसे ले रही है वो सरस्वती पूजा के नाम पे? जाके देख ही लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो चंदे के नाम पे घर के कागजात ले ले। दरवाजा खोलो पंकज। ये पंकज दरवाजा खोलो। आरती बेबी तुम रुको, मैं देखता हूँ। जरूर भूकंप आएगा। पंकज दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम दोनों कौन हो? असली भूकंप तो अब आएगा। कौन है ये दोनों? कौन है ये दोनों? कौन है ये दोनों? ये सब मेरा घर देखने आए हैं, ऐसे मिलने आए मुझसे। बस साफ सफाई कराई है ना, तो ऐसे। क्यों डर रहे हो पंकज? दे दो ना चंदा। हाँ पंकज क्यों डर रहे हो, 100-200 रुपए दे दो ना। ये दोनों चंदा मांगने वाली हैं। तुम हो ना चंदा मांगने वाली? तो तुम कौन हो अगर ये चंदा मांगने वाली है तो? अरे क्या फर्क पड़ता है, चंदा ही तो है, दे देंगे सब कुछ, दे देंगे। पंकज सुन लिया मैंने, आप क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं मतलब ये लोग चिल्ला रहे तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा भड़ास निकाल दूं। क्या छुपा रहे हो पंकज, सच सच बताओ। बताओ पंकज, बता रहे हो नहीं? अरे मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, सब कुछ तो खुला है। खुला आसमान, खुला घर, सब कुछ खुला है। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम दोनों कौन हो? क्या मैं हूँ इसकी गर्लफ्रेंड? तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ इसकी गर्लफ्रेंड। वाह सब समझ गए, तीनों हो मेरी गर्लफ्रेंड। पंकज तुम क्या छुपा रहे हो और झूठ क्यों बोल रहे हो यार? यार मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, और मैंने क्या झूठ बोला? तुम्हें याद है जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? बेबी आई रियली लव यू। पर बेबी मैं तो पूजा और भक्ति में लगा रहता हूँ। और तुमने क्या कहा था? मुझे तुम्हारी पूजा और भक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। सच्ची? सच्ची। I love you too। और ये खड़ी है तुम्हारे सामने पूजा, और इनका नाम है भक्ति। इन्हीं में लगा रहता था मैं। और मुझसे क्यों झूठ बोला? जानू तुमसे भी कहाँ कुछ झूठ बोला, मैंने तुम्हें बताया था। बेबी आई लव यू। बेबी आई लव यू टू। पर बेबी तुम्हें तो पता ही है मैं पूजा और आरती से बहुत प्यार करता हूँ। सुबह पूजा करता रहता हूँ और रात में आरती। तो दिन में भक्ति के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लो। ठीक है बेबी, अब से तुम मेरी। तो मैंने कहा ठीक है, जिस तरह सुबह पूजा को संभालता हूँ और रात में आरती को, उस तरह दोपहर को भक्ति के लिए टाइम निकाल लूंगा। और मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यार तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो भक्ति और आरती में ध्यान रखता हो, और मेरी जिंदगी में तो पहले से ही भक्ति भी थी और आरती भी थी, तो मैंने कहाँ तुमसे कुछ झूठ बोला? और याद करो तुमने मुझे कहा था तुम्हें जितना भक्ति और आरती करनी है तुम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी भक्ति और आरती में। तुमने खुद ही कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी भक्ति और आरती में। देखो ना दोनों तुम्हारे सामने है, समझाओ ना इन्हें। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने सबको सच सच कहा था। और तुम दोनों, तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया? मैंने सब कुछ सच सच बताया। और पूजा तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे भक्ति और आरती में, समझाओ इन्हें अब। हे गाइस, तो कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पे ज्यादा ज्यादा लाइक करना, करो लाइक करो और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रेड वाला बटन है, इसे दबाओ, सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि लाइव आना और आप लोगों से बातें करना इंस्टाग्राम के थ्रू होता है, वहीं ब्लूपर्स भी डलते हैं। तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। बाय गाइस।